झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर पहुंची, जहां भारत सेवा श्रम आश्रम में आयोजित 17वें त्रिशूल महोत्सव में शामिल हुई। महोत्सव में परंपरागत नाच गाने के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ। मंच से संबोधन के दौरान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आदिवासी भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हों, बावजूद इसके इनकी संस्कृति और प्रकृति से प्रेम दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। यहाँ 32 प्रकार आदिवासी रहते हैं, उनमें से पीवीटीजी पर्टिकुलरली भंडारी गुर्जर, दूसरे आदिवासी से भी बहुत उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर से बहुत नीचे है, ये अपने अभाव में जीते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति इतने समृद्ध है, ये खुशी से जीते हैं। जैसे कि भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, सही मायने में देखे तो आदिवासी के चेहरे पे सच्चिदानंद का रूप दिखाई देता है। सुबह से शाम तो काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी मुस्कुराहट, सुबह जैसे खुशी से जीना हो जाते हैं, जानते हैं तो ये प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ बातें करते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ये आदिवासियों में शिक्षा स्तर को बढ़ाने की बात कही। उनमें से 75 है पीवीटी जी, जो उन दूसरे आदिवासियों से भी बहुत पिछड़े हैं, उनको आगे लाना होगा, उनको भी शिक्षा देना होगा, उनको भी दूसरों जैसा, उन कभी कभी ऐसे स्कूलों में दिखाई दे रहा है कि ये शायद ये आदिवासी है, ये मूर्ख है, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लोगों की जरूरत है। आज स्कूल तो है, लेकिन स्कूल के जो जो संसाधन स्कूल के लिए चाहिए पीछे है, लेकिन ये अक्षर का शिक्षा इनके पास नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है टेक्निकल, लेकिन उनके पास जो शिक्षा है शायद दूसरे संस्कृति में, या आज जो कंप्यूटर युग या टेक्निकल युग में भी उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। झारखंड की आबादी करीब 3,25,00,000 है, जिसमें करीब 1 करोड़ आदिवासी हैं। राज्यपाल ने आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी बात ये कही कि आदिवासी भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उन्होंने संस्कृति नहीं छोड़ी और वो पढ़े लिखों को भी चुनौती देते हैं। बता दें कि कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति शुक्ला महंती भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के लिए कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना है। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।